हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंस्टेंट कोकोनट लड्डू की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे आप सिर्फ दो सामग्री के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि है नारियल का बुरादा और कंडेंस मिल्क। इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है। आप सिर्फ इन दोनों सामग्री के साथ भी कोकोनट लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ किस सामग्री में मैंने कितनी मात्रा ली है। सबसे पहले 2 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 1/2 कप कंडेंस मिल्क, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 3 टेबलस्पून हमने दोबारा नारियल का बुरादा लिया है कोट करने के लिए। ये भी ऑप्शनल है, आप बिना कोट करे भी नारियल के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। सामग्री हमने चेक कर लिए है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कढ़ाई को धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दीजिए और उसके अंदर 1 टीस्पून घी डालिए। घी जैसे ही पिघल जाए आप इसके अंदर नारियल का बुरादा डाल दीजिए। फ्लेम आपको लो ही रखनी है और इसे 1 मिनट के लिए भून लीजिए। 1 मिनट हो चुका है और नारियल का बुरादा हमारा भूनकर तैयार है। आपको इसे ब्राउन नहीं करना है, बस 1 मिनट हल्का सा सेक लेना है। जैसे ही आपका नारियल का बुरादा सेक जाए आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। कंडेंस मिल्क डाल दिया है और इसे अब लो फ्लेम रखते हुए मिला लीजिए। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से नारियल का बुरादा और कंडेंस मिल्क मिला लिया है। अब इसके अंदर आप इलायची पाउडर डाल दीजिए। इलायची पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप करें। एक बार और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे फ्लेम को लो रखते हुए ही। ये देखिए, इलायची पाउडर भी हमने अच्छी तरह मिला लिया है और अब आप इसे 1 से 2 मिनट लगातार पका लीजिए, ताकि मिक्सचर हमारा ये जो आप देख सकते हैं क्रमली क्रमली हो रहा है वो इकट्ठा हो जाए। आप इसे लगातार मिलाते हुए चला लीजिए और आपका मिक्सचर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए, मिक्सचर हमारा थिक हो चुका है। आपको कैसे पता चले, ये देखिए, जब आप मैश कर रहे हो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा जब थिक हो जाएगा, और जब हमारा पका नहीं होगा तो बहुत हल्के हाथों से ही ये मैश हो जाएगा। अभी मेरा पक चुका है तो थोड़ा मुझे जोर लगाना पड़ रहा है हाथों पे, जब ये मेरा अच्छे से मिलकर आ रहा है। अब हमारा मिक्सचर तैयार है, इसकी फ्लेम बंद कीजिए और इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए। इतना ठंडा होना है कि आप इसे आराम से छू सके। मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब आप एक चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मिक्सचर स्कूप कीजिए और हाथ में लीजिए और इसको लड्डू बनाना शुरू कीजिए। ये देखिए, इस तरह से बाइंड करके हाथों के बीच में। आप चाहे तो बड़ा लड्डू छोटा लड्डू किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, लड्डू हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से हाथों के बीच में रोल करके अच्छी तरह से शेप दे लीजिए और लड्डू हमारे बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में रखते हैं और इसी तरह से पहले सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब दोबारा मिक्सचर को स्कूप कीजिए और हाथ में लेकर इस तरह से लड्डू बनाना शुरू कीजिए। सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये देखिए, 3 लड्डू मैंने कोट भी करके रखे हैं। और ये जो हमारा नारियल का बुरादा था जो मैंने छोटे वाले बाउल में लिया था, उसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब आप एक लड्डू लीजिए और इसके अंदर डालकर इसे अच्छी तरह से कोट कर दीजिए। ये देखिए, नारियल के बुरादे के मिक्सचर से अच्छी तरह से आप इसे कोट कर दीजिए और नारियल का लड्डू हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे नारियल के लड्डुओं को कोट कर लेंगे। सारे नारियल के लड्डू को हमने नारियल के बुरादे से कोट कर लिया है और नारियल के लड्डू हमारे तैयार हैं। आप इन्हें 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं और ये एक बहुत ही टेस्टी और आसान स्वीट है, जिसे हम 15 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये स्वीट रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी हिंदी रिटर्न और इंग्लिश रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें, जो कि है achlafood.com। वहां पर आपको रिटर्न रेसिपी विद स्टेप टू स्टेप पिक्चर विद रेसिपी नोट्स मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय।